एक दिन गुस्से में उठ करके एक माटी का डेला उठाया, अपने मुंह में धर लिया। माने भगवान मिट्टी नहीं खा रहे थे, उस ब्रज रज की महिमा को बता रहे थे कि ऐसो स्वाद नाए माखन में, ना मिसरी मेवा दाखन में, जो रस है ब्रज रज चाखन में। याने मुक्ति की युक्ति बताई कि भैया यदि कोई स्वाद है तो संसार की किसी वस्तु में नहीं है, जो स्वाद ब्रज रज में है। यहाँ का स्वाद तो मीठा लगने के बाद पेट में गया ना सब गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन ब्रज रज का स्वाद दिखता नहीं है लेकिन उसके अंदर महत्व में छुपा हुआ है, अगर गई ना तो कल्याण कर देगा। आज प्रभु ने अपने भक्तों को मुक्ति की राह बता दी कि भैया ब्रज रज का बड़ा महत्व है, इसी से तुम्हारी मुक्ति, इसी से तुम्हारी भक्ति होगी। इसलिए आप देखते होंगे ब्रज मंडल में सब लोग ब्रज 84 कोस की पैदल यात्रा कर रहे हैं, गोवर्धन जा रहे हैं, क्योंकि उस रज की ही तो महत्वता है। उसके स्पर्श से, स्पर्श करने मात्र से जीवन के बड़े बड़े पातक पाप आदि कट जाते हैं। कभी कभी मैंने लोगों को सुनते देखा है, कई लोग कहते हैं कि ये जो कथाओं के माध्यम से नृत्य कराते हैं ये केवल मनोरंजन है, केवल दिखावा है, ये है पाखंड है। मैं आपको बता दूं, जिससे आपके मन में ऐसी भ्रांति ना रहे, नृत्य करना भी भगवान की भक्ति का एक अंग है। भगवान के जो आचार्य हैं, भक्ति के आचार्य हैं, उन्होंने भक्ति में नृत्य करना भी एक अंग बताया है भक्ति का। संसार में नृत्य करने वाले तो हमेशा नृत्य कर ही रहे हैं, परमात्मा ने उन्हें संसार में चक्कर काटने के लिए ही भेजा है, यानी नृत्य ही कर रहे हैं हम सभी। यदि संसार के लिए कुछ उनके व्यवहार में नाचते हैं कूदते हैं तो, लेकिन यदि अपने ठाकुर के लिए नृत्य करते हैं ना तो वो उपासना बन जाती है, और नृत्य हर कोई नहीं कर सकता। अब कई ऐसे लोग हैं जो नहीं उठ सकते क्योंकि उनको लगता है कि पड़ोसी देख लेगा तो क्या कहेगा, ये देख लेगा तो क्या कहेगा, लेकिन नाचो तो उसमें दिखावा नहीं होना चाहिए दुनियादारी को कि ये रीझें सामने वाले हमारी नृत्य को देखकर, तो वो भगवान की उपासना नहीं, वो दम और वो पाखंड है। लेकिन केवल और केवल नृत्य में भगवत प्रेम छुपा हुआ है, प्रभु के लिए कदम अपने आप झूम गए, हाथ अपने आप खड़े हो गए, तो ये सबसे बड़ा ऊंचा स्तर है नृत्य का। भक्ति में आत्मज्ञान ब्रह्म ज्ञान से भी ऊंची है भक्ति, और भक्ति में प्रेमानंद का आना यानी नृत्य का होना सर्वोत्तम भक्ति बताई गई है कि अपने ठाकुर के लिए, अपने इष्ट को रिझाने के लिए आप नृत्य करें। नारद जी नृत्य करते हैं, स्वयं भक्ति महारानी जिनकी कृपा से भगवान मिलते हैं वो नृत्य करते हैं, और इसका प्रमाण भागवत जी में है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिर नृत्यति यत्र च, धन्य है वो वृंदावन धाम जहाँ नित्य प्रति भक्ति सबके हृदय में नृत्य करती रहती है। प्रहलाद जब करताल उठाते हैं नृसिंह भगवान का स्मरण करके नृत्य करने लगते हैं, चैतन्य महाप्रभु अपनी अजान लंबित भुजाएं जब फैला लेते थे और हा कृष्ण कहते थे, नाचते थे, तो भावावेश ऐसा होता था कि मूर्छित हो जाते थे। भले ही मीरा ने नाच कर पाया है उस गिरधर गोपाल को, भक्ति में हमारे आचार्यों ने नृत्यता को प्रमुखता दी है कि हृदय में भाव उठे तो अवश्य नृत्य करना चाहिए, लेकिन उसका आश्रय हरि हो, संसार ना हो। इसलिए नृत्य करना एक भक्ति का महत्वपूर्ण अंग है। तो किसी की बातों में आकर के ऐसा मन मत सोचना कि लोग ऐसा बोलते हैं ऐसा बोलते हैं, ये भक्ति का एक मुख्य अंग है नृत्य करना, प्रमाणित है। कितने सारे भक्त हुए जिन्होंने नृत्य करके ही तो परमात्मा को पाया है। कुछ नास्तिक लोगों ने उनकी परीक्षा भी लेनी चाही, लेकिन उनकी परीक्षा धरी की धरी रह गई,
क्योंकि वो संसार के लिए नहीं नाच रहे थे, वो तो परमात्मा के लिए नाच रहे थे। आपने नानी बाई का मायरा मेरे मुख से कई बार सुना होगा, उसमें प्रसंग आता है, शायद आपने ध्यान दिया हो, कि एक राजा था। नरसिंह जी जब भगवत नाम लेकर नृत्य करते थे लोगों के सामने, तो उनके घर वाले जलते थे और उन्होंने राजा को शिकायत कर दी कि ये स्त्रियों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नृत्य करता है, इसने तो बड़ा पाखंड फैला रखा है, इसको आप दंड दें। तो उस राजा ने नरसिंह जी को बुलाकर कहा, तुम बड़े भक्त बनते हो, तुम कहते हो कि तुम्हारे 24 घंटे नृत्य में भगवान की उपस्थिति होती है, ये भगवान की प्रतिमा है, इसके गले में माला डली हुई है, कितना नृत्य करना है करते रहो, यदि 24 घंटे में ये तुम्हारे गले में नहीं आई अपने आप, तो तुम्हें फांसी की सजा दी जाएगी। भक्तराज की ऐसी परीक्षा ले ली गई। सुबह से शाम होने को आई, नृत्य करते रहे करते रहे, पैर थक गए, लोग तालियां पीट पीट के मजाक बना बना कर चले गए। रात्रि होने को आई, अब बस कुछ देर बाद 24 घंटे पूरे होने वाले हैं, राजा भी शयन से बाहर आ गया, सब दोबारा से आकर सभा में, नरसिंह जी अभी भी नृत्य कर रहे हैं, हे ठाकुर, हे गिरधर गोपाल, मुझे तो आपका ही आसरा है, मैं दुनिया के लिए दिखाने के लिए नहीं नाचता, प्रभु तो आ जाते। लेकिन नरसिंह जी को जो एक केदारा, एक कागज दिया था कि इस कागज में जो राग मैंने लिखे, इन शब्दों को तुम दोहरा लोगे, मैं कहीं भी होऊंगा आ जाऊंगा, लेकिन नरसिंह जी ने वो कागज कहीं गिरवी रख दिया था, इसलिए गा नहीं पा रहे थे। चाहते तो हम जैसे होते तो कोई बात नहीं, हमको तो याद है, हम तो अभी भी गा देंगे, रखा है तो रखा रहने दो किसी के पास गिरवी, लेकिन ऐसी चालाकी भक्तों को नहीं आती। उन्होंने कहा, गिरवी रख दिया तो वो मेरी वस्तु नहीं रही, मेरे भाव से मैं हरि को बुलाऊंगा, मुझे किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए देरी लग गई, एक घंटा रह गया। सब अब घर वाले जो उनसे उनका उनके शत्रु बन गए थे, उनसे ईर्ष्या करते थे, तालियां बजा बजा कर हंस रहे, अभी इसको फांसी की सजा होगी, इसका पाखंड धरा का धरा रह गया। लेकिन हरि कैसे देख सकते थे, सभी के एकाएक प्रभु के उस गले से माला उठी और सीधे जाके नरसिंह जी के गले में पड़ गई। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।